अभी हम पटना के मैक्सो हॉस्पिटल में है। ये वही हॉस्पिटल है जहाँ एक वीडियो हम लोगों ने डाला था नीतीश कुमार के पिताजी का इलाज कराने के लिए, और शुरुआती में तो हम लोगों ने उनका वीडियो बनाकर उनको मदद करने का प्रयास भी किया था जहाँ मधेपुरा पूर्णिया में उनका इलाज चल रहा था। जब ज़्यादा सीरियस हुआ तो उनको वहाँ भी देखने वाला कोई नहीं था, तो नीतीश यादव ने क्या किया, उस वीडियो को बनाकर और लाइव आकर के कुछ लोगों को टैग करने का काम किया। बहुत सारे लोगों को उन्होंने टैग किया, उसमें एक हमारे भोजपुरी जगत के उभरते हुए सितारा, और मतलब हमें लगता है कि बिहार का ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां शिवेश मिश्रा को नहीं सुना जाता है, वैसे शख्स शिवेश भाई हमारे साथ अवेलेबल हैं। इन्होंने उस वीडियो को देखा और तत्काल नीतीश से बात किया कि भाई मेरे तुम लेकर सीधे पटना आओ, और शिवेश भाई पटना में उसको टेकअप करते हैं और मैक्सो हॉस्पिटल में लाते हैं जहाँ मैक्सो हॉस्पिटल के है जो डायरेक्टर महोदय हैं, हम तो परिचय मेरा नहीं है, सीधे तौर पर मैं कहना चाहता हूँ बात भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने उतना हद तक आके मदद किया, कोई नहीं कर सकता। और आप कैसे कैसे मतलब आपसे कॉन्टेक्ट भैया रात तक, पवन भैया और विक्रम भैया हैं, हाँ। विक्रम सर हैं जो डॉक्टर हैं, उनके अंदर बहुत सारे डॉक्टर हैं। पवन भैया से रात 1 बजे तक बात हुआ वो, हाँ। जबकि 10 बजे से यहाँ चले, हाँ। जाते हैं और 1 बजे रात तक खड़ा हुआ है इनको रिसीव करने के लिए केवल। और पूर्णिया यहाँ मधेपुरा से एम्बुलेंस मंगवा के नीतीश को, और उसके बाद इनकी माँ, आप भी आई थी ना आंटी उस दिन, चाची उसी दिन आए थे आंटी भी, और ये आए रात को 12 बजे पहुँचे वहाँ, वहाँ से फिर यहाँ हम लोग मंगवाए उनको। हम नहीं थे, हम तो प्रोग्राम में थे, जो ही हम 4 गाना गा लेते थे उसके बाद रूम में भागते थे इससे बात करने के लिए, कहाँ पहुँचा, क्या है, क्या स्थिति है। हम लोग देखते थे सोशल मीडिया के माध्यम से, सब हम लोग देखने का काम तो करते थे। इस वजह से हम पहुँचे और रूम से बात करते रहे, यहाँ तक जब पहुँच गया उसके बाद मेरे दिल में सांस मिली कि हाँ भाई इंसान पहुँच चुका है। पवन भैया यहाँ फिर तुरंत इलाज करवाना शुरू किए, डॉक्टर साहब रात के 1 बजे आए और इलाज करना शुरू किए, अभी स्वस्थ हैं पापा। बिल्कुल बिल्कुल सर, देख के हम लोग लगा है, वीडियो में भी हम लोगों ने देखा कि पहले से काफी स्वस्थ थे, बहुत स्वस्थ दिखे हैं वो, और पहले जो उनको तकलीफ थी और काफी हद तक उसको उतार हुआ उसमें। बीच में बोल भी रहे थे, हम गए थे तो नाम पता पूछे थे पवन भैया, सब बोल भी रहे थे, अभी फिर सुनने में आ रहा है कि अब कम बोल रहे हैं। इलाज में अप्स डाउन होता है चाची, मतलब का पहले से तो सुधार बन उनका, सुधार बोले बोलते कम बोले अब धीरे धीरे हो जाते उनका के डॉक्टर, हाँ डॉक्टर कहल एक्सरसाइज करे के, तो जैसे एक्सरसाइज होते ना 1-1.5 महीना तो अचानक सब धीरे धीरे वो चलत है, पहले से जो तबियत खराब रही में सुधार है, रही बात बोल आवाज़ के, तो आवाज़ों धीरे धीरे चले, एक जैसे जैसे दवाइया चलते ही ना, आ मेन चीज़ है कि उनकर फिजियोथेरेपी से उनकर एक्सरसाइज, जब एक्सरसाइज होते ही ना आ तनि एने ओने देह हाथ हिले लगी, पैर वैर चले लगी, तो धीरे धीरे आवाज़ों वापस चले, वो होकर ही तनिक देर लगता है। जब तबियत खराब नीमन शरीर खराब भेला के बाद के शरीर अंतर तो होबे न करल, एक बार पहले लेखा तो नहीं हुई लेकिन सुधार हुई। इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बस सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि नीतीश यादव इससे हमारा कोई संबंध नहीं था, ना जान पहचान था, कुछ नहीं था, मेरा भी नहीं था। इस लड़के ने सीधे कहीं ना कहीं से मेरा नंबर सोशल मीडिया से अरेंज करके किसी न किसी हमको डायरेक्ट फोन किया, तो हम बोले हाँ फोन किया हमको, तो हमने कहा कि ठीक है भाई हम तो पूर्णिया मधेपुरा आने में भी असमर्थ है, लेकिन तू पटना लेके आओ भाई, वहाँ हमने के कौन व्यवस्था करा के इलाज करावल जाए। लेकिन इनके पास पूर्णिया आने का भी, यहाँ आने का पैसा नहीं था, बोले उतना भी सामर्थ्य नहीं था इसके नहीं पास था। तो बोला कि अनिकेत भैया हमारा तो उतना पैसा नहीं है कि हम पूर्णिया से मधेपुरा जाए, तो बोले चाहे ठीक है एक तो एक क्या करें, तो भैया एक मेरे लिए वीडियो बनाइए, तो मैंने एक वीडियो बनाकर उनके अकाउंट नंबर वगैरह हमने डालने का काम किया था, काफ़ी लोगों ने उस पर सहयोग भी करने का काम किया था, हमसे भी जो हो पाया हमने सहयोग करने का काम किया था, लेकिन सारे बावजूद शिवेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई मेरे, मतलब बहुत अच्छा आपने काम किया है, हमको सोशल मीडिया पर हमको पता चला, हम देख के तम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दिए दूर से ही, और हॉस्पिटल के भी मालिक पवन भाई को हम लोग बहुत धन्यवाद दिए कि विक्रम भाई को कि चलिए भाई ऐसे ऐसे लोग आज पटना, पता ही पटना ऐसा हॉस्पिटल है, हजारों हॉस्पिटल है पटना में भैया, भाई भाई लाश नहीं छोड़ता है, सब पैसा नहीं छोड़ता है, वैसा पटना में अगर इस तरह का मैक्सो हॉस्पिटल है जो इस तरह का दरिया दिल्ली अगर किसी के लिए दिखा दिया तो हमें लगता है कि ये शब्द नहीं है इस तरह के बातों को मतलब तुलना करने के लिए, कोई शब्द नहीं है। खैर हम आप सभी से इतना ही कहना चाहते हैं कि बिहार बहुत पिछड़ चुका है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, और शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर, उसमें अगर कोई नौजवान चाहे वो जिस जाति से संबंध रखता हो अगर थोड़ा सा प्रयास करता है कि कुछ सुधार हो, अगर वह नौजवान जो काम करने से पहले जाति धर्म नहीं देखता हो, अगर वह नौजवान कोई प्रयास करने से पहले जाति धर्म नहीं देखता हो, या वह नौजवान किसी का मदद करने से पहले अगर जाति धर्म नहीं देखता हो, आओ नीतीश, तो हमें लगता है कि वैसे नौजवान का अप्रिसिएट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, उत्साह बढ़ाना चाहिए। आओ
और रही बात, यही है नीतीश भाई हैं, आपने पहले भी इनको वीडियो में देखा होगा, अभी भी देख रहे हैं, तो हमें लगता है कि भोजपुरी के सिंगर हैं, सुप्रसिद्ध सिंगर हैं, हिट सिंगर हैं, सब लोग जानता है। हम लोग का भी सौभाग्य है कि आज भाई से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि एक सिंगर को इतना आगे आकर किसी का मदद करते हुए हम पहली बार देखे हैं और मेरा दिल गदगद है, खुश भी है और इतना उम्मीद हमको जग गया है कि चलिए आने वाले समय में हमारा बिहार बदलेगा जरूर और सुंदर बिहार बनेगा जरूर, निश्चित जज्बा सब लोग में जगेगा। और आप लोग जो लोग देख रहे हैं ना, वो लोग भी अगर चाहेंगे तो बंद मुट्ठी ला की खुल गई तो खाकी, आप बंद मुट्ठी रख के और चाहिएगा तो सबकी मदद कर सकते हैं। मनीष आज तो जेल में है लेकिन बाहर रहता था, हर एक दो तीन दिन के गैप में वीडियो में उसका सुनते थे हम लोग कि किसी का टांग खींचने से अच्छा है किसी का हाथ खींच के उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। क्या नीतीश भाई क्या कहना चाहते हैं इस बारे में आप? हमको मतलब सबसे ज्यादा भरोसा मनीष भैया पे ही था और हर जगह से सरकार तो पहले ही तोड़ चुका था और सरकार से भरोसा भी टूट चुका था और गांव के जितने भी होते हैं लोकल नेता जितना है तो मतलब कोई मीटर लेकर के 36 का आंकड़ा मेरा चलता है। उसके बाद मेरा जितना रिलेशन का था वो तो मोबाइल ऑफ ही कर लिया था। उसके बाद सोशल मीडिया पे भरोसा था तो हम सोचे कि एक वीडियो बना के डालते हैं, शायद हो सकता है कि मेरा मदद कहीं से हो जाए। तो हम मतलब रो रहे थे तो पर भी लाइव आ करके उसमें बिहार सरकार को टैग किए, बिहार में जितने भी कलाकार हो मीडिया मतलब जो हो सब जिसके ऊपर भरोसा था हमको सबको टैग करके एक वीडियो बनाए। उसके बाद सीबीएस भैया फ़ोन किए और ये पीएमसीएच में भी फ़ोन किए तो वहाँ पर भी एक लड़की को हम फ़ोन कराए भैया से, तो ये बोले कि मतलब मेरा भाई है वो चाचा है, तो लड़की एक लड़की बात कर रही थी, चार लड़की सुन रही थी भैया का नाम सुने, तो बोले कि मतलब कलाकार हैं इतना सुपर स्टार हैं, तो मतलब इतना बड़ा सुपर स्टार होकर के मेरे लिए मतलब इतना गिरगिरा रही थी सबसे, मतलब हर जगह हाथ फैलाया, लेकिन यहाँ आकर के मैक्सो अस्पताल का मतलब धन्यवाद देते हैं। और विक्रम भैया मतलब पवन भैया हैं वो भी अपना भाई समझ कर बोला कि कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर। अरे भाई 15 दिनों में आपसे अगर रुपये का हिसाब नहीं पूछा गया, रुपया नहीं मांगा गया, कुछ कहा नहीं गया, तो ये कम बात थोड़े हुआ है, बहुत बड़ी चीज़ है इस पटना की धरती के लिए, बहुत बड़ी चीज़ है। दवाई तक मैंने कहा भैया गरीब आदमी है, दवाई तक मिला है इनको। तो चलिए हम तो कुछ अब ज़्यादा नहीं कहेंगे, हमारे पास शब्द नहीं है, बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आज भी इंसानियत जिंदा है इस धरती पर और ऐसे ऐसे लोग अगर शिवेश भाई जैसे और पवन भाई विक्रम भाई जैसे लोग अगर इस धरती पे आएँ तो हमें लगता है कि निश्चित रूप से बिहार में बदलाव होगा। हाँ थोड़ा सा देर है लेकिन हम जैसा नौजवान अगर जाति धर्म को पीछे छोड़ करके अगर बिहार को अगर ब्रांड बनाने की और बिहार को सुंदर बनाने की अगर सोच लेंगे, हमें नहीं लगता कि किसी के पास पावर है कि हम लोग को रोक सके। नो बडी हैज़ डेयर टू चेस अस एंड नो बडी हैज़ डेयर टू स्टॉप अस, दिस इज द स्टार्ट ऑफ न्यू बिहार। जय हिंद, जय बिहार।